सुख का दाता सबका साथी, दुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCC 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। जबलपुर शहर के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने प्राप्त किए बेल्ट। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन के महासचिव राजकुमार यादव ने बताया कि विगत दिनों जबलपुर शहर स्थित कालीबाड़ी मंदिर परिसर, मदन महल एवं बिलहरी मार्शल आर्ट एकेडमी के ताइक्वांडो बेल्ट परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें येलो बेल्ट से लेकर रेड बेल्ट तक के खिलाड़ियों को वर्ल्ड ताइक्वांडो कुकीवान साउथ कोरिया के नियमानुसार सेमिनार में भाग लेकर अपनी योग्यता अनुसार बेल्ट प्राप्त करने की सफलता अर्जित की। आज मदन महल प्रेम नगर कालीबाड़ी परिसर में ताइक्वांडो बेल्ट व प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के प्रांतीय मंत्री मिलिंद भालेकर, मध्य प्रदेश विद्युत ठेकेदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन प्रताप सिंह दुबे की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि का स्वागत मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन के महासचिव अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट खेल प्रशिक्षक राजकुमार यादव ने किया। विशिष्ट अतिथियों का स्वागत जयराज चौधरी, शिवानी बेन, श्रीमन किता हाँ, प्रथमेश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा बेल्ट सेमिनार में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रेम नगर कालीबाड़ी परिसर में बेल्ट पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट खेल विद्या का प्रदर्शन कर अतिथियों का मन मोह लिया। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। अंशिता अभिष्का और सुनते हैं आप लोग क्या हाँ मानवी क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स प्रमुख चलिया मे स्टॉप सच्चा आप किनके मार्गदर्शन में सीख रहे हैं? मैं राजकुमार यादव सर के मैं सीख रही हूँ। इससे क्या मतलब है आप लोग को ताइक्वांडो से क्या लाभ है? ताइक्वांडो से लड़कियों को खासतौर पर ये सीखना चाहिए, ये बहुत अच्छा सेल्फ डिफेंस है। आपका नाम? मेरा नाम अंशिता है, जो कि जबलपुर और आसपास के अन्य क्षेत्र से जो बच्चे आए हुए थे उनकी प्रतियोगिता आज हुई है, और जिसमें विभिन्न बच्चों को ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट दिया गया है। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के समय में शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का रहना, ठीक रहना बहुत आवश्यक है, और यह जो ताइक्वांडो है यह कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक तो आत्मविश्वास जागृत करता है और खुद की सुरक्षा के प्रति लोगों को काफ़ी जागरूक करता है, और इसके साथ ही इतने सारे एक्सरसाइज इसमें हो जाते हैं कि उसको व्यायाम करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, और बहुत सारे बच्चे जो जिन्होंने आज ब्लैक बेल्ट लिया और कई अन्य प्रतियोगिताओं में जो नेशनल लेवल तक खेल के आए थे, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और उनकी उन्नति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जनार्दन प्रताप सिंह गुरु, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन जबलपुर। और आज मुझे येलो बेल्ट से सम्मानित किया गया है, और मैं मतलब ताइक्वांडो के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इसको लड़कियों को खेलना चाहिए, क्योंकि ये
ये सबसे पहले लड़कियों के लिए बहुत एक सेल्फ डिफेंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि हम अपने खुद की सेफ्टी कर सकते हैं, हमें इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम टाइकोंडो सीख लेते हैं तो हमारी खुद हम अपने आप में इतने सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं कि हमको किसी दूसरे पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लगभग कितने बच्चे गए थे वहाँ? लगभग 30 बच्चे गए थे।